नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव महर्षि, कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन, ब्रह्मानंद नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और हमारे साथ है डॉक्टर अरुण कुमार, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी, ब्रह्मानंद हॉस्पिटल। वर्ल्ड स्ट्रोक डे हम लोग 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जो कि कल का दिन है। और क्योंकि स्ट्रोक एक बहुत कॉमन कंडीशन है, तो हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे एज अ जनरल अवेयरनेस, ताकि स्ट्रोक डे पर आपको कैसे स्ट्रोक से बचा जाए, क्या क्या स्ट्रोक के लक्षण हैं और स्ट्रोक क्या है, इसके बारे में कुछ अवेयरनेस बढ़े लोगों में। हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चंस क्या है स्ट्रोक के बारे में, तो डॉक्टर अरुण से डिस्कस करते हैं। डॉक्टर अरुण, स्ट्रोक क्या है, आप पब्लिक को बता सकेंगे? सबसे पहले तो स्ट्रोक का मतलब ही होता है कि सडनली किसी चीज़ का को इफेक्ट करना। ब्रेन, हमारे ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई होती है उसका सडन रुक जाना, और उसके चलते हमारे शरीर में कुछ भी मैनिफेस्टेशन आना, कुछ भी लक्षण आना, इसी को स्ट्रोक कहा जाता है। और ये बहुत तरह के होते हैं, इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, बहुत प्रकार के स्ट्रोक होते हैं। तो डॉक्टर राजीव से मैं पूछना चाहूँगा कि what are the types of stroke and which type of stroke is more common in the society? देखिए, स्ट्रोक दो तरह के होते हैं। एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक, जो कि 80% स्ट्रोक होता है, और काफ़ी कॉमन यही है स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं ब्रेन के अंदर, वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसके कारण ब्रेन के पार्ट्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है। अच्छा, जिस पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, वो हमारे बॉडी के जिस पार्ट को कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे डेफिसिट देखने मिलती है, जिसको हम जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट बोलते हैं। ये होती है इस्कीमिक स्ट्रोक। और दूसरा जो वेराइटी है, ये है हेमरेजिक स्ट्रोक। इसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स जो ब्रेन के अंदर है, वो या तो लीक कर जाती है, या आम भाषा में बोलेंगे टीयर हो जाना या रप्चर हो जाना, उसके कारण जो ब्लड है क्लॉट बन के बाहर ब्रेन में आ जाती है और ब्रेन को दबाती है, उसके कारण से लक्षण मिलते हैं। एक और कॉमन टाइप है जिसको हम लोग मिनी स्ट्रोक बोलते हैं, ये है TIA, या फिर इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ये क्या होता है, एक शुरुआती लक्षण होता है जिसमें पेशेंट शुरू में बोल नहीं पाता, अफेजिक हो जाता है, बीच बीच में स्लरिंग ऑफ स्पीच होती है, मुंह का टेढ़ापन होना, जो कि ट्रांजिएंट होता है या टेम्पररी बोल सकते हैं इसको, कुछ सेकेंड्स मिनट्स के लिए होगा और ये बाद में रिकवर हो जाएगा। तो जनरली ये एक इंडिकेशन देता है कि आपको मेजर स्ट्रोक आगे चल के हो सकता है। तो कभी भी ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक हो या TIA हो, तो नियरेस्ट अपने न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से संपर्क करना चाहिए। आगे लक्षण के बारे में डॉक्टर अरुण डिस्कस करना चाहेंगे, क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं स्ट्रोक के? स्ट्रोक के साइंस एंड सिम्टम्स बहुत ही वेरिएबल होते हैं। ये इसमें सिंपल हेडेक से लेकर के पेशेंट कोमाटोज स्टेज में भी आ सकता है। इसके बीच का जितना भी मैनिफेस्टेशन आप सोच सकते हैं, लाइक स्लरिंग ऑफ स्पीच, देखने में दिक्कत, एक साइड की कमजोरी हो सकती है पेशेंट को, पेशेंट कंप्लेन कर सकता है कि आई एम हैविंग सडन सीवियर हेडेक, जैसा इस तरह का हेडेक हमने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया है, जो कि जनरली सब रिक्वायर्ड हेमरेज के कंडीशन में पाया जाता है। उसके अलावा चलने में दिक्कत, या चलने में पेशेंट लड़खड़ाहट बोल सकता है कि हम बहुत चलते हैं तो लड़खड़ाते हैं, देखने में दिक्कत। बहुत बार होता है कि पेशेंट को हेडेक विथ वॉमिटिंग लेकर के भी पेशेंट प्रेजेंट करता है, एंड इन मैनी टाइम्स पेशेंट कोमेटोज स्टेट में भी प्रेजेंट करता है, जिसमें कि बहुत बार सीजर भी कॉमन मैनिफेस्टेशन में आता है। इसका मेन तो ये सब लक्षण है स्ट्रोक के। इसे डॉक्टर राजीव से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स और व्हाट आर द बिहेवियर्स विच वी शुड अवॉइड फॉर हैविंग ए स्ट्रोक। देखिए, रिस्क फैक्टर्स में इसके दो तरह के रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। एक होता है पर्सनल, हमारा लाइफ स्टाइल रिस्क फैक्टर्स, और एक होता है मेडिकल रिस्क फैक्टर्स। तो पर्सनल या लाइफ स्टाइल बिहेवियरल चेंजेस या लाइफ स्टाइल चेंजेस, जैसे कि ओबेसिटी होना, मोटापा होना बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। बिंज ड्रिंकिंग, एल्कोहल ड्रिंकिंग करना एक रिस्क फैक्टर है। सिगरेट स्मोकिंग तीसरा रिस्क फैक्टर है।
इसके अलावा फिजिकल इनएक्टिविटी, एक्सरसाइज नहीं करना, अपने वजन पर ध्यान नहीं देना, ये एक रिस्क फैक्टर है। मेंटल स्ट्रेस, स्ट्रेस रिलेटेड टू योर होम, स्ट्रेस रिलेटेड टू योर वर्क प्लेस, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और इसके अलावा जो मेडिकल रिस्क फैक्टर्स है उसमें है हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल हाई होना, इसके अलावा डायबिटीज़ होना, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड एंटीकोएगुलेंट्स किसी किसी पेशेंट्स को मिलता है किसी दूसरे बीमारी के लिए, तो उसमें भी ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं जो कि हेमरेजिक स्ट्रोक का काम करते हैं। और अदर कंजेनाइटल एज, जैसे एडवांस एज में काफ़ी कॉमन होता है स्ट्रोक। इसके अलावा सेक्स में देखेंगे तो मेल में ज़्यादा कॉमन होता है स्ट्रोक, लेकिन जो सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ है ये फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा आप और देखेंगे फिजिकल इनएक्टिविटी, यही सब रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रोक रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो मैं डॉक्टर अरुण से पूछना चाहूँगा कि स्ट्रोक और ब्रेन एन्यूरिज्म दोनों सेम चीज़ है कि इनमें क्या है, इसको थोड़ा आप इलस्ट्रेट करेंगे हमारी पब्लिक के लिए। ब्रेन एन्यूरिज्म एक्चुअली डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स को एन्यूरिज्मल बोलते हैं, जिसे एन्यूरिज्म बोलते हैं। एन्यूरिज्म कभी कभी तो हमारा, हम जो सीटी और एमआरआई कराते हैं तो कभी कभी एन्यूरिज्म इंसिडेंटल फाइंडिंग भी होता है, बट मैनी टाइम्स एन्यूरिज्मल रप्चर के चलते पेशेंट सीवियर हाइपरटेंशन सब रिक्वायर्ड हेमरेज के रूप में प्रेजेंट करता है, और जिसमें कि बहुत सडन हेडेक होता है, थंडर, जिसको थंडर स्टॉर्म हेडेक या थंडर स्टॉर्म हेडेक ही उसको कहते हैं, और पेशेंट एक्सपीरियंस करता है कि इस टाइप के हेडेक हमने कभी लाइफ टाइम में झेला ही नहीं है। और एनोरिज्म तो लोकेशन वाइज रहता है कि इसका रप्चर सबसे सबरेक्वायर्ड हेमरेज में जो है वो सर्कल ऑफ विलिस में जो एनोरिज्म होता है उसका रप्चर होने से जनरली होता है, वो भी एंटेरियर सर्कुलेशन वाले एनोरिज्म में ज़्यादा रप्चर होने का चांस रहता है। और एनोरिज्म स्ट्रोक से डिफरेंट इस तरह है कि एनोरिज्मल रप्चर इज वन ऑफ द कॉज ऑफ स्ट्रोक, एंड स्ट्रोक इज ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ सब्जेक्ट, जिसका कि बहुत सारे कॉजेज होते हैं, बहुत सारे लक्षण होते हैं और बहुत सारे टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज वाइज जैसा डॉक्टर राजीव ने बताया कि एज वाइज स्ट्रोक इज मोर कॉमन इन एल्डरली, बट नाउएडेज हम लोग ये देखते हैं कि सिर्फ एल्डरली में ही नहीं, यंग एजेज में भी स्ट्रोक बहुत कॉमन हो गया है पहले से, और इसके क्या क्या कारण हैं ये डॉक्टर राजीव इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, आजकल स्ट्रोक हम लोग जो देख रहे हैं पेशेंट 30-40 ईयर्स से लेकर के 60-70-80 ईयर्स तक स्ट्रोक देख रहे हैं। पहले कहा जाता था कि स्ट्रोक इज़ अ डिजीज़ ऑफ एल्डरली, ये एल्डरली पॉपुलेशन 50 ईयर्स 60 ईयर्स अबव को होता है, आजकल यंग पेशेंट्स को भी देखने मिलते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपसे डिस्कस किया जो रिस्क फैक्टर्स हैं, तो यही मूलतः कारण है यंग पेशेंट्स में भी स्ट्रोक मिलने का, जैसे कि स्ट्रेस लेना, अल्कोहल ड्रिंकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, अनकंट्रोल्ड डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं लीड करना, हेल्दी फूड नहीं लेना, तो उसके वजह से वेट बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ना, स्ट्रेस लेने की वजह से हाइपरटेंशन होना, न्यूली हाइपरटेंशन होना, उसको कंट्रोल नहीं करना, मेडिसिन रेगुलर मेडिसिन पे नहीं रहना, ये सब कारण है। फिजिकल इनएक्टिविटी रहना, ओबीज या सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीना, तो ये सब कॉमन कारण है जो कि आजकल जिसकी वजह से यंग पॉपुलेशन में भी हम लोग स्ट्रोक काफ़ी कॉमनली देख रहे हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक में, हम लोग डिस्कस करते हैं क्या ट्रीटमेंट्स हैं अलग अलग टाइप्स के स्ट्रोक के, अगर इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ तो उसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं, अगर हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ तो उसके क्या ट्रीटमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे यहाँ जो जितने भी तरह के स्ट्रोक होते हैं डिपेंड करता है ऑन द पेशेंट क्लिनिकल कंडीशन, व्हाट इज द जीसीएस ऑफ द पेशेंट, और पेशेंट का प्रेजेंटेशन अदर देन जीसीएस क्या है, पेशेंट किस एज ग्रुप में है, और इफ पेशेंट एक क्लिनिकल कंडीशन होता है जिसमें स्ट्रोक में पेशेंट यदि 3 घंटे के अंदर हमारे हॉस्पिटल में पहुंच गया तो विथ सीटी वी डायग्नोज कि पेशेंट इज हैविंग क्लिनिकली द स्ट्रोक, और उस केस में हम लोग उसको थ्रोम्बोलाइज करते हैं। यदि वो 3 घंटे के अंदर लेकिन
उसको पहुंचना चाहिए, उसका सीटी हो जाना चाहिए, और वी हैव टू एक्सक्लूड दैट पेशेंट इज नॉट हैविंग ए हेमोरेजिक टाइप ऑफ स्ट्रोक। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट मॉडलिटी तो ये होता है कि 3 घंटे के अंदर आपके पास पेशेंट पहुंच गया तो आप ये कर सकते हो। सेकंड थिंग कि जो ABC ट्रीटमेंट लाइन फॉलो किया जाता है दूसरे सारे डिजीजेज में, वही ABC ट्रीटमेंट लाइन हमारे स्ट्रोक में भी फॉलो किया जाता है। पेशेंट का आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, फिर उसका सर्कुलेशन कैसा है, एयरवे कैसा है, मेन ये सब चीज़ देखना पड़ता है। पेशेंट का GCS ऑफ कोर्स, जिसका हमने डिस्कस किया कि GCS के अनुसार से पेशेंट को ट्रायज करना पड़ता है कि किसको क्या देना है, इसको क्या देना है। उसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं कि पेशेंट को यदि कोई साथ में हाइपरटेंशन है तो उसको प्रेशर की दवा देनी होगी। शुगर यदि अनकंट्रोल्ड है तो साथ में उसको आइदर इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स देने होंगे। उसके साथ यदि कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करना होगा, और उसके अलावा जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। फॉर कंट्रोलिंग ऑफ इंट्रासेरेब्रल प्रेशर देर इज ए वेरी कॉमन मेडिसिन यूज इन स्ट्रोक कॉल्ड मैनिटॉल। उसके अलावा आप मैनिटॉल आप रेगुलरली देना चाहिए यदि इंट्रासेरेब्रल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो। उसके अलावा पेशेंट को हेडेक है तो सिम्टोमेटिकली पारासीटामोल वगैरह या जो भी हेडेक कंट्रोल करने के लिए आप मेडिसिन दे सकते हैं। यदि पेशेंट को या तो प्रोफाइलेक्टिक या सिम्टोमेटिक उसको सीजर हो रहा है तो उसमें एंटी सीजर मेडिकेशंस देना चाहिए। इसके अलावा मैं डॉक्टर राजीव से पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ सर्जरी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, एंड पेशेंट को किस कंडीशन में हम लोग सर्जरी के लिए कह सकते हैं कि अब हाँ आपको सर्जरी के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, जैसा डॉक्टर अरुण डिस्कस कर रहे थे, इस्कीमिक स्ट्रोक में अगर पेशेंट 4 घंटा के अंदर आता है तो हम लोग थ्रोम्बोलिसिस करते हैं। तो इसके लिए एक एक्रोनिम है हमारे व्यूवर्स के लिए, जो कि आपको पता चले कि हाँ हमारे पेशेंट को या हमारे रिलेटिव को स्ट्रोक हुआ है। फास्ट करके एक एक्रोनिम है FAST, जिसमें F होता है फेशियल वीकनेस या फेशियल डेविएशन, A होता है आर्म वीकनेस, इसके अलावा S होता है स्लरिंग ऑफ स्पीच, और T होता है टाइम टू रिएक्ट। तो अगर कोई इस्कीमिक स्ट्रोक का पेशेंट है वो 4 घंटे के अंदर पहुंचता है हॉस्पिटल, अगर उसके घर वाले ये फास्ट एक्रोनिम को देख करके अपने पेशेंट में अगर वो लोग ये डाउट करते कि हाँ इनको स्ट्रोक हुआ है, तो ये एक्रोनिम का इस्तेमाल करें और तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल लेके आए, ताकि इस्कीमिक स्ट्रोक के केसेस में थ्रोम्बोलिसिस अंडर 4 आवर्स, जो कि गोल्डन पीरियड है कि 4 घंटा के अंदर ही थ्रोम्बोलिसिस होना है, वो हो जा सके। इसके अलावा अगर सर्जिकल मैनेजमेंट की हम लोग बात करें इस्कीमिक स्ट्रोक में, अगर क्या होता है पेशेंट बहुत डिलेड आता है हमारे पास, तो ब्रेन सेल्स क्या होता है डैमेज हो जाते हैं, जो कि इरिवर्सिबल डैमेज होता है, जो कि दोबारा से ठीक होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्रेन में ब्लड सप्लाई काफ़ी देरी तक कट हो गई थी, तो उसके वजह से ब्रेन में इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, जिससे ब्रेन सेल्स डाई कर जाते हैं। डाई हो जाने के कारण ब्रेन सेल्स में स्वेलिंग आती है, क्योंकि हमारा ब्रेन स्कल बोन के अंदर है और जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो फिक्स्ड है। अभी जब ब्रेन स्वेल्ड अप होते हैं तो उनमें क्या है स्पेस वहाँ पे नहीं मिलता है उनको, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाता है। इस केसेस में हम लोग जो है डीकम्प्रेसिव क्रेनिएक्टमी एक सर्जरी करते हैं। डीकम्प्रेसिव क्रेनिएक्टमी में मूलतः हम लोग जो स्कल बोन है उसको निकाल देते हैं, और इसके अलावा ब्रेन की जो कवरिंग है जिसको हम लोग ड्यूरा बोलते हैं उसको खोल देते हैं, ताकि ब्रेन को एक्सपैंड करने के लिए जगह मिल सके और पेशेंट की जान बच सके। ये हुआ इस्कीमिक स्ट्रोक के बारे में। जहाँ तक बात है हेमरेजिक स्ट्रोक, तो हेमरेजिक स्ट्रोक में बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर एन्यूरिज्मल रप्चर है तो उस केसेस में या तो हम लोग एन्यूरिज्म में एक क्रेनियोटमी करके क्लिपिंग कर देते हैं एन्यूरिज्म को, या फिर हम लोग इंटरवेंशन के द्वारा हम लोग कॉइलिंग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉइल एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं, या अगर एन्यूरिज्म है। अगर आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन है, जो कि एक कारण है हेमरेजिक स्ट्रोक का, तो उसमें हम लोग उसमें भी सर्जरी करते हैं। AVM के लिए सर्जरी होती है, एक्सीजन होता है और पेशेंट जनरली रिकवर कर जाता है। जो हाइपरटेंसिव ब्लीड होती है, जो कि मोस्ट कॉमनली हेमरेजिक स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन कारण हाइपरटेंसिव ब्लीड है, तो हाइपरटेंसिव ब्लीड में
वीकनेस एक साइड हो जाती है बॉडी के, तो उसमें अगर हम लोग देखते हैं ब्लड अमाउंट बहुत ज़्यादा ब्लीड किया हुआ है ब्रेन के अंदर, जो कि ब्रेन पर प्रेशर दे रहा है और एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बनी हुई है, तो उस केसेस में हम लोग क्रेनियोटमी करते हैं। क्रेनियोटमी करने के बाद हम लोग ब्रेन के अंदर जा करके जो क्लॉट है, जो कि 50 ml, 100 ml या 200 ml क्लॉट है जो कि ब्रेन पर प्रेशर दे रही है, उसको हम लोग निकालते हैं। निकालने के बाद फिर हम लोग उसको हीमोस्टेसिस, जो ब्लीडिंग एक्यूट ब्लीडिंग है, उसको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के बाद हम लोग विल वेट एटलीस्ट, उसमें टाइम लगता है पेशेंट रिकवर होने में। पेशेंट जनरली नियर नॉर्मल तक आता है, लेकिन पूरी तरह से नॉर्मल स्ट्रोक के बाद होना थोड़ा मुश्किल होता है। और इसके अलावा रिहैबिलिटेशन का भी बहुत बड़ा एक रोल है। स्ट्रोक के ट्रीटमेंट्स जनरली एक्यूट ट्रीटमेंट्स होते हैं, ऑनगोइंग जो है उसको कंट्रोल करना, साथ में एक बार पेशेंट सर्वाइव कर जाता है तो उस केसेस में रिहैबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि पेशेंट हेमीप्लीजिक होता है, बेड रिडन होता है, मल्टीपल लाइंस लगी होती है, फीडिंग राइल्स ट्यूब के थ्रू हो रही होती है, यूरिन कैथेटर के थ्रू हो रही होती है, एक साइड वीकनेस होती है बॉडी के आर्म्स में, लेग्स में, तो इसके लिए रिहैबिलिटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्ट्रोक मैनेजमेंट। किसी किसी पेशेंट को अगर बोलने में डिफ़िकल्टी है तो उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, जो कि स्पीच थेरेपी कराते हैं। और जनरल केयर ऑफ द पेशेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक आदमी हमेशा उनके साथ लगा रहे और उनका जनरल केयर, उनका फीडिंग, उनका पोस्चर चेंजेस, फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी, ये सब रेगुलर करते रहने से ही स्ट्रोक में प्रोग्नोसिस कुछ अच्छी हो सकती है। और फिर मैं डॉक्टर अरुण से पूछना चाहूँगा, और डॉक्टर आप ट्रीटमेंट पार्ट में कुछ कमेंट करना चाहेंगे दर्शकों के लिए? ट्रीटमेंट पार्ट में जैसे इस्केमिक स्ट्रोक में एंटीप्लेटलेट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और पेशेंट को यदि साथ में कोई कार्डियक कंडीशन है जिसके चलते पेशेंट इज इन ए फिब्रिलेटरी स्टेट, उसको यदि एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह यदि हो रहा है तो साथ में एंटीकोगुलेंट का भी बहुत कॉमन रोल है। और रही बात की नेक्स्ट पार्ट इसका स्ट्रोक का है कि हाउ वी डायग्नोज थ्रू द इमेजिंग कि पेशेंट इज हैविंग विच टाइप ऑफ स्ट्रोक, डॉक्टर राजीव? देखिए डायग्नोस्टिक आई इमेजिंग स्ट्रोक के लिए जनरली हम लोग क्विक, क्योंकि पेशेंट एक स्ट्रोक का आता है उसमें लिमिटेड टाइम होता है, क्विक डिसीजन होना चाहिए, तो इनिशियली हम लोग सीटी स्कैन करते हैं, क्योंकि सीटी स्कैन करने में पेशेंट को मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगता है, एंड इट इज़ अ फास्ट आई इमेजिंग सिस्टम। सीटी स्कैन इनिशियली सबसे पहले हम लोग करते हैं, सीटी स्कैन करके देखते हैं कि किस तरह का स्ट्रोक है। अगर एक इस्कीमिक स्ट्रोक है जो कि 4 घंटे में आ रहा है तो जनरली सीटी स्कैन में वो डायग्नोज नहीं हो पाता है, उस केसेस के लिए हम लोग को MRI कराना पड़ता है। अदरवाइज अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है जिसमें ब्लीड हुआ है ब्रेन के अंदर, तो उसमें सीटी स्कैन इज मोर देन एनफ, सेल्फ सफिशियंट, तो उसमें सीटी करते ही हमको पता चल जाता है कितना ब्लीड हुआ है, कहाँ पर ब्लीड हुआ है, कैसा ब्लीड हुआ है और प्रोग्नोसिस कैसा रहेगा उस पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा कभी हम लोग को डाउट होती तो सीटी के अलावा हम लोग MRI ब्रेन भी करते हैं, और जनरली MRI ब्रेन इस्कीमिक स्ट्रोक में ज़्यादा यूज़ होता है, हेमरेजिक स्ट्रोक में कम यूज़ होता है। इसके अलावा हम लोग कैरोटिड डॉपलर भी कभी कभी करते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक के केसेस में, कि अगर कैरोटिड आर्टरी है वो कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, अगर वो ब्लॉकेज है तो उसके कारण इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकती है, और उस केसेस में कैरोटिड एंड आर्टरेक्टमी करके एक सर्जरी होती है जिसमें हम लोग कैरोटिड आर्टरी को ओपन करके उसमें से जो क्लॉट है, उसमें जो डेब्री है, जो कोलेस्ट्रॉल पैचेस हैं, उसको हम लोग निकाल देने से वो रिकैनलाइज हो जाती है फिर से। और फर्दर आई इमेजिंग के लिए अगर हार्ट आई इमेजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, खास करके इस्केमिक स्ट्रोक केसेस में, तो उसके लिए ECG हो, चाहे इकोकार्डियोग्राफी हो, ये सब इम्पोर्टेंट है डायग्नोसिस के एस्पेक्ट्स। इन लास्ट वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर हम और डॉक्टर राजीव सबको यही मैसेज देना चाहेंगे कि बी फास्ट, एज डॉक्टर राजीव टोल्ड, कि आप जितने फास्ट होंगे और फास्ट को जितने अच्छे से समझेंगे वही स्ट्रोक से प्रॉपर टाइम इंटरवेंशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप स्ट्रोक के सिम्टम को समझें और जितना फास्ट से अपने पेशेंट को नियर बाय हॉस्पिटल में विथ जहाँ कोई न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन की फैसिलिटी है वहाँ आप ले जा करके उसको दिखाएं, जितना जल्दी से जल्दी उसका इमेजिंग हो, जितना जल्दी से जल्दी उसको इंटरवेंशन किया जा सके कि क्या किस ढंग का ट्रीटमेंट देना है,
और इसके अलावा जैसा डॉक्टर राजीव ने बताया कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं उसको कट शॉर्ट कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, बिंदास रहिए लाइफ में, इस तरह से ही आप स्ट्रोक से अपना बचाव कर सकते हैं और समाज को स्ट्रोक के रूपी बर्डन से मुक्त करने में सहयोग दे सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।